जिले जिले गांव वार्ड सब जगह हो रही है। आज हम लोगों ने यहाँ देखा है पटना साहिब विधानसभा में हमारी जोरों के साथ सदस्यता चल रही है और इस तरीके से जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है बिहार को एक करोड़ का, उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना सिटी के रतन पैलेस से पानी टंकी स्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान शुरुआत की गई है। ऐसे जब देखा जाता है तो 2 सितंबर से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री जी को सदस्यता अभियान दिलाकर ये लगातार चल रही है। सिर्फ पूरे बिहार में 1 करोड़ बनाने का लक्ष्य है। इस पूरे मौके पर देखिएगा तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, तमाम भाजपा क्रीड़ा मंच से जितने भी जो सदस्य हैं, वर्कर हैं, एक साथ में लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक मोबाइल नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर से भी आप भाजपा का सदस्य बन सकते हैं। इस पूरे मामले में पूर्व राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात को सुनते हैं। जो लोग नहीं बने हैं अपने अपने मोबाइल में टाइप करें, डबल है। मंच पर आ जाए सुनिए कुमार लड्डू जी, चलिए। हमारे आज माननीय अतिथि जी से आग्रह है, आखिर हम लोग कभी लोकसभा चुनाव में 1,31,000 वोट आए नहीं, 1,31,000 में हम नहीं पहुँच सकते हैं। और हम लोग अभी कहाँ पहुँचे हैं, 18,20,21,000 के आसपास पहुँचे हैं, अभी बाकी है, काम बाकी है। और मैं जानता हूँ कि आप जब ध्यान देते हैं तो कोई काम आपसे कठिन नहीं होता, पता जान की प्रसन्नता होगी और आपको भी होगी मन कि जो सस्ता अभियान चल रहा है बिहार के 243 विधानसभा है, उस 243 विधानसभा में पटना साहिब विधानसभा जहाँ पर बैठे हैं ये पूरे बिहार में नंबर 2 पे भी जा रहा है सत्ता के मामले में। लेकिन भाई सिटी वाले लोग एक बात सुन लो, हम नंबर 2 बनने के लिए तैयार नहीं, कहाँ बनना है, कहाँ जाना है, नंबर 1 बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, साथ सब नंबर 1 बनेंगे, क्योंकि नंबर 1 बनने वाला भी नौजवान है, वहाँ का विधायक नौजवान है, मंत्री भी है। भाजपा पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में आज सत्ता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य इसके पीछे क्या है, क्या आगे पार्टी समझ रही है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है। और पिछली बार हम लोग कहते थे ना कि ये विश्व की नंबर 1 की पार्टी है और इस पार्टी के सदस्य जो हैं वो देश के लिए काम करते हैं, परोपकारी देश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए आज हम सब लोग, क्योंकि 31 अगस्त को सभी की सदस्यता समाप्त हो गई थी, 2 सितंबर से ये सदस्यता प्रारंभ हुई है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता दिलाई, इसके बाद प्रदेश पर सदस्यता हुई, प्रदेश पदाधिकारियों को दी गई और इसके बाद जिले पर सदस्यता, अभी जिले जिले गांव वार्ड सब जगह हो रही है। आज हम लोगों ने यहाँ देखा है पटना साहिब विधानसभा में हमारी जोरों के साथ सदस्यता चल रही है और इस तरीके से जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है बिहार को 1 करोड़ का, उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा।